मेथी देना, आधा किलो बैंगन और दो किलो प्याज। प्याज? हाँ। दो किलो प्याज भी दूँ? इसमें हैरानी की बात क्या है? ए, मैडम आजकल प्याज खरीदता कौन है? सब्जी खरीदते खरीदते दो प्याज चुरा लेते हैं। हम तुम्हें प्याज चुराने वाले लगते हैं? नहीं नहीं मैडम, आप लोग तो अमीर लोग हैं, आप लोग तो प्याज खरीद कर भी खा सकते हैं। अब प्याज खरीदने में अमीर गरीब क्या, प्याज तो सभी खरीदते हैं। हाँ, गांव में तो लोग मुक्का मारकर प्याज फोड़कर खाते हैं। ए मैडम वो टाइम गए। ऐसा क्यों? ने मैडम 80 रुपए किलो का भाव है प्याज का। क्या? आजकल लोगों ने प्याज खाना छोड़कर प्याज उगाना शुरू कर दिया है, और प्याज में इतनी ताकत है कि सरकार हिला दे। पर भैया प्याज जैसी चीज इतनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी क्या करेगा? ए मैडम ये सरकार से पूछने वाला सवाल मुझसे क्यों पूछ रही? अच्छा अच्छा, मुझे तो प्याज मत देना और सुहानी को भी आधा ही किलो देना। भाभी हमारे घर में तो बहुत प्याज लगता है। सुहानी भाव देखो, हम जैसे लोगों ने ही प्याज खा खा कर इसका भाव बढ़ा दिया है। हाँ भाभी, पर हर चीज में तो प्याज लगता है, और आदि तो सैलेड में रोज एक कच्चा प्याज खा जाता है। तो रोको उसे, ये सोशल क्राइम है, क्रिमिनल वेस्टेज। हाँ अच्छा भैया, अब प्याज आधा किलो ही कर दो। ठीक है। हाँ मैंने ट्राई की थी। हाँ हाँ बहुत इजी भी है बनाना। ठीक है मैं तुम्हें रेसिपी भेज दूंगी। ओके बाय। हाय। ये क्या कर रहे हो आदि? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, सैलेड बना रहा हूँ। हाँ मगर प्याज क्यों काट रहे हो? प्याज के बिना सैलेड कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा ना, इतनी सारी चीजें तो है, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, तो प्याज के बगैर क्यों नहीं बन सकता? हाँ लेकिन प्याज भी तो है। है पर बहुत महंगे है आदि, रोज रोज इतना प्याज खाने की क्या जरूरत है? सुहानी तुम्हें पता है ना मुझे प्याज कितने पसंद है। हाँ आई नो, पर सिर्फ खाने में अच्छे लगते हैं, खरीदने में ना बहुत बुरे लगते हैं। सुहानी क्या हुआ है, सब्जी वाले से झगड़ा कर लिया है क्या? नहीं आदि तुम समझ नहीं रहे हो। सुहानी रिलैक्स, हम लोग प्याज अफोर्ड कर सकते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से लोग प्याज खरीदते हैं और प्याज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तुम तो प्याज के पीछे ही पड़ गई। अच्छा प्याज छोड़ो और प्यार के बारे में सोचो। आदि सुहानी इतनी परेशान क्यों? मैं परेशान नहीं थी, वो भाभी ने मुझे टेंशन दे दी। अच्छा बाबा आज से सैलेड में नो प्याज। ओके खुश? बहुत खुश। मोहित ये क्या कर रहे हो? प्याज काट रहा हूँ डाली। तुम तो ऐसे बोलो जैसे किसी का गला काट रहा हूँ। पर प्याज क्यों काट रहे हो? पोहे के लिए, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। पर मैं पोहे में प्याज नहीं डाल रही। मगर मुझे तो कांदे वाला पोहा अच्छा लगता है। मोहित लोगों को प्याज सूंघने को भी नहीं मिल रहा है। कोई प्याज सूंघता है क्या स्वीटी? सूंघने के लिए परफ्यूम है ना, क्या तुम भी? मोहित ये एक कहावत है। मोहित ये क्या है? छिलका। इतना प्याज वेस्ट कर रहे हो, इतने प्याज में तो एक टाइम की सब्जी में छौका लग जाएगा। तुम्हें क्या हो गया नैना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्याज को हुआ है। बहुत महंगे हो गए, मैं तो कहती हूँ लोगों को प्याज खाना छोड़ देना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा प्याज खरीदता है उस पर टैक्स लगाना चाहिए। करेक्ट, और मुझे भी अपना बिजनेस छोड़ के प्याज की खेती शुरू कर देनी चाहिए। मोहित तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। चिल करो ना यार, क्यों ना हाइपर हो रही हो। अजाम आदि का फोन आया था, वो लोग डिनर पे मिलना चाहते हैं। तो उन्हें घर पर ही बुला लो। नहीं नहीं वो अपने घर पे मिलना चाहते हैं। अरे अच्छा है ना, तुम्हारे दो चार प्याज बच जाएंगे। मोहित अरे हेलो, अरे अरे प्याज तो दे दो यार। अरे हाय मिसेस मिश्रा। हाय आदित्य, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। अच्छा सुहानी घर में है? हाँ है ना, आइए आइए। सुहानी मिसेस मिश्रा आई है। हाय सुहानी। हाय कैसी हो? बोलिए कैसे आना हुआ? अच्छा सुहानी घर में प्याज है क्या? हाँ है। अच्छे हैं? हाँ हम अच्छे प्याज ही लेते हैं। वेरी गुड, वैसे हम भी अच्छे ही प्याज खाते हैं। अच्छा वैसे दो तीन प्याज मिलेंगे क्या? दो तीन? हाँ एक अभी डिनर में लग जाएगा, और हो सकता है कि मैं सुबह मार्केट ना जा पाऊँ, एक लंच में हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर मैं मार्केट नहीं गई तो एक सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा। ठीक अभी लेके आए।
अगर आप रात में भी नहीं जा पाई तो सुबह तो जा ही नहीं पाएंगी। एक और बोल दूं? नो नो, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी तो और भी तो पड़ोसी है ना। ऑफ कोर्स, ये लीजिए। थैंक यू, चलो कल मिलते हैं। okay, जी बाय। बाय नैना। हाय हाय। बाय बाय। ये मिसेस मिश्रा तीन प्याज मांग के ले गई। जी टेंशन मत लीजिए, बैठिए। वैसे नैना, यू आर राइट यार, मतलब प्याज एक्चुअली महंगे हो गए क्योंकि मिसेस मिश्रा कभी सस्ती चीजें मांगने तो आती नहीं है। हंस क्या रहे हो, पूरे पाव किलो प्याज मांग के ले गई है। कल कविता के घर से तीन प्याज मांग के ले गई, अब जब तक प्याज सस्ते नहीं होंगे ये पड़ोसियों से ही मांगती रहेगी। भाभी प्याज सस्ते होंगे नहीं क्योंकि आधी जैसे लोग प्याज खाए भी गए तो रह नहीं सकते। हाँ, और मोहित को तो प्याज की सब्जी बना कर दो तब भी ऊपर से प्याज चाहिए होता है खाने के लिए। अरे तो असी पंजाबी हाँ, जब तक खाने में अदरक लहसुन और प्याज का मसाला नहीं आता ना, खाने का मजा ही नहीं आता यार। करेक्ट। वाह, तो जो लोग अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते उनके खाने में टेस्ट नहीं होता क्या? होता होगा भाभी, पर हमने तो बचपन से ऐसे ही खाना खाया है। अरे यार, जैसे गौरव की बीवी कितनी प्रिटी है, मगर मुझे मुझे तुम ही पसंद हो। मतलब अपनी अपनी चॉइस की बात है ना आदि। मोहित, तुम दूसरों की बीवियों को देखते हो। ये यार मिसाल दे रहा था ये तो। बहुत ही घटिया मिसाल थी। आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि फूल तो ट्यूलिप भी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे गुलाब पसंद, या हिरन भी सुंदर होती है लेकिन मुझे खरगोशी पसंद है। लेकिन नहीं, हाँ जैसे मुझे चाटा मारना बहुत अच्छा लगता है मगर मुक्का मारना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। लगाऊं? पड़ेगा ना। आदि बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने बहुत ही घटिया मिसाल दी। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तब तक प्याज को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक नैना तुम अपने हाथों से मुझे प्याज नहीं दोगी। वाह मोहित भैया, आदि इसे कहते हैं विल्पा। आज से प्याज जब तक सस्ते नहीं हो जाते तुम भी नहीं खाओगे। अरे मिसाल मांग रहा था ना, मैंने दे दी मिसाइल, अब भुगत। नहीं नहीं आदि। सुहानी, प्याज के बिना मुझे खाने में स्वाद ही नहीं आता। ठीक है तो मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगी कि प्याज के बगैर भी स्वादिष्ट खाना बन सकता है। अरे चलो भाभी। मोहित, घर में दूध खत्म हो गया, तुम ले आओ प्लीज, तब तक हम खाना बनाते हैं। चल काम पे लग। घटिया मिसाइल दी दी थी आपने, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं आरी चला दी है। राधी, तेरे नुकसान करने के चक्कर में बचपन। पांडे जी, आप प्याज खा रहे हो? हाँ प्याज ही तो खा रहे हैं, कौन सा प्याज खा रहे हैं बताइए। अरे वाह पांडे जी, कॉमेडी हाँ कॉमेडी। अब सीरियसली बताओ, इतने महंगे प्याज अफोर्ड कैसे करते हो यार? अरे अफोर्ड क्या करना है, प्याज ही तो है। प्याज 80 रुपया किलो है और अभी अभी मुक्का मार के तुमने 5 रुपए फोड़ दिए। अरे तो हम कौन सा खरीद के खा रहे हैं बताइए। उत्तरी मतलब चोरी करता है, वो भी वॉचमैन हो गए। अरे पांडे जी कुछ तो शर्म करो यार। अरे मैया, खाते समय मूड खराब कर दिया। अरे बीवी ने बड़े प्यार से प्याज और टमाटर की सब्जी बना करके दी है। प्याज टमाटर की सब्जी? भैया चोरी नहीं, प्याज के गोदाम में डाका मारा है। अरे मूड खराब हो गया, अरे हम का डाकू दिखते हैं है? अरे डाकू तो हमारे मम्मिया ससुर हुआ करते थे। डाकू थे? हाँ, जो डाकू होते हैं वो बहुत जल्दी थे हो जाते हैं। पुलिस ने उनको गोली मार दी थी। बदल रहा है आदि, ये बात बदल रहा है। वो पांडे जी वो सब छोड़ो, बताओ आप इतना महंगा प्याज खरीदते कैसे हो बताओ? अरे बोले ना के खरीदते नहीं है, यानी कि चोरी करते हैं। नहीं भैया, गांव में उगता है वहीं से एक कुंतल मंगवा लिया। कमाल करते हो पांडे जी, हम प्याज की बात कर रहे हैं आप कुंतल की बात कर रहे हो, लुक एट हिम यार। अरे भैया कुंतल नहीं क्विंटल, एक क्विंटल क्विंटल 8,000 रुपए का प्याज। पांडे जी गणित बहुत अच्छा है साहब आपका। पांडे जी मतलब क्या है ना कि भाई थोड़े हमको भी प्याज देना प्लीज। एलिजियो थोड़ा। अरे ये नहीं, जो आप गांव से मंगवाते हैं ना वो हम आपको पैसे दे देंगे। वैसे 1 किलो कितने में देंगे?
हाँ तो ठीक है, मार्केट में 80 रुपया करके मिलता है, आप हमसे 85 रुपया करके ले लीजिए। अरे कमाल करते हो पांडे जी, जब बाहर 80 का है तो आपको 85 क्यों दें हम? हाँ? अरे होम डिलीवरी भी तो करना है, ताजा प्याज मिलेगा, अगर उसको आप निचोड़ेंगे तो मौसमी का तरह रस निकलेगा। क्या कर रहे हो भैया? अरे हमको लगा कि तुम हमें सस्ते में दोगे, तुम्हें तो फ्री मिल रहा है। तो एक काम कीजिए, 75 रुपया करके ले लीजिए, ठीक है? बार्गेनिंग मत कीजिए, अभी भूख लगा है हमको, खाने दीजिए। खाइए पांडे जी, बी कंफर्टेबल है एकदम। ठीक है। उससे ज्यादा सुखी तो ये वॉचमैन है, प्याज है इसके नसीब में। ब्रो डोंट वरी, हमारी बीवी जो भी बिना प्याज का लाएंगे ना, हम बोलेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बाद हमारी जिंदगी में प्याज ही प्याज होगा भाई। दूध लेने चल। चल। सुहानी जी, मुझे तो लगता था कि मैं कमाल की कुक हूँ, पर ये मेथी कड़ी बनाना तो मुझे भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। क्या तू उन्हें चैलेंज क्यों किया? डोंट वरी भाभी, रेसिपी बुक है ना, उसमें से देखकर बना ली। पहली बार बना रही हो? पर मैंने बहुत सी डिशेस पहली बार बनाई और बहुत अच्छी बनी है। सुहानी पर ये मामला कुछ और है। कोई नहीं, एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाभी? लौंग, काली मिर्च, हींग, जीरा, अदरक, हरी कटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, भिगोई हुई साबुत मेथी, दही, बेसन, इमली का पानी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मेथी और कसूरी मेथी। ओके भाभी, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पैन को गर्म होने के लिए गैस पे रख दो। जी। इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालो। अब इसमें डालो 8 से 10 लौंग, 15 से 18 खड़ी काली मिर्च, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा। अब इन्हें अच्छे से मिला लो। अब इसमें डालो 3 टीस्पून कटा हुआ अदरक। एक टीस्पून हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भिगोई हुई साबुत मेथी। दो टीस्पून भिगोई हुई साबुत मेथी। अब इस पे डालो 200 ग्राम हरी मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। बस। सुहानी जब तक ये मेथी पक रही है तब तक हम बेसन और दही का घोल तैयार कर लेते हैं। जी। घोल बनाने के लिए 1 कप दही, 3 टेबलस्पून बेसन, 1/2 कप इमली का पानी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 नमक स्वादानुसार, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लो। भाभी ये घोल तैयार हो गया, अब इस घोल को इस पैन में डाल दो।
अब इसमें डालो एक कप पानी, और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। ओके। सुहानी, जब तक ये कढ़ी पक रही है, हम दूसरे पैन में कसूरी मेथी को भून लेते हैं। जी, इसके लिए एक दूसरा पैन रख लो। पैन गरम हो जाने पर इस पे डालो 2 टीस्पून कसूरी मेथी। इसे हल्का सा चलाकर गैस बंद कर। बस, गैस बंद कर। देखो, कढ़ी रेडी हो गई क्या? हाँ जी, अब इसे सर्विंग बोल में डालो। इसे भुनी हुई कसूरी मेथी से गार्निश कर। जी। हो गई मेथी की कढ़ी तैयार। अरे, दूध के पैकेट्स कहाँ हैं? अब नैना, हम लोग गए थे पर वो दुकान बंद हो गई थी, फिर पांडे जी मिल गए। रहने दो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ना। याद रखें, प्याज वाली जो भी सब्जी हो उसकी बुराई करें। हाँ। अरे, बहुत भूख लग रही है, खाना वाना मिलेगा क्या आज? हाँ भैया, खाना रेडी है। आइए, ये लो, और ये सारा खाना बिना प्याज के बना है। अच्छा, नाइस। टेस्ट करो। अरे, ये है क्या? मेथी की कड़ी भैया। सुहानी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक दिस इज यार। भैया, आपने कहा था तारीफ नहीं करनी है। अरे, खा के तो देख, सारा प्लान भूल जाएगा अपना। प्लान? कैसा प्लान? कुछ नहीं। अरे, आदि ने प्लान बनाया था कि बिना प्याज की जो भी सब्जी होगी ना उसकी बुराई करेंगे। भैया आपने? हाँ, मैंने मना किया था, और हमेशा मना करूंगा तू बीवियों के खिलाफ कोई भी प्लान बनाएगा तो। हाँ यार आदि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। सुहानी, वेरी बैड आदि, तुमने मेरे और सुहानी के खिलाफ ऐसी कॉन्स्पिरेसी की। अरे भाभी, मैंने। अरे आप चुपचाप खाओ और सॉरी बोल, तेरा प्लान सबके सामने पकड़ा गया है। अरे खाओ सुहानी ने ना, ईट, कम ऑन। हाँ, क्या मिसाले दे रहे थे? ट्यूलिप और गुलाब, और क्या, हिरन और खरगोश। मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना, आगे से कभी भी शेर की पूंछ पर पैर मत रखना भैया, समझे? अब खाओ। माइंड ब्लोइंग, वाओ। भाभी, तो सच में बहुत अच्छी बनी, वो भी बिना प्याज के। कैसे बनाई? जिसने बनाई है उससे पूछ। सुहानी, कैसे बनाई? बताओ ना कैसे। आदि, आधा किलो मेथी की कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम हरी मेथी, 2 टीस्पून भिगोई हुई साबुत मेथी, 1 कप दही, 3 टेबलस्पून बेसन, आधा कप इमली का पानी, 8 से 10 लौंग, 15 से 18 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 3 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार और 3 टेबलस्पून ऑयल। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसे गर्म करें। उसके बाद उसमें डालें 8 से 10 लौंग, 15 से 18 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा और उसे भून लें। फिर उसमें डालें 3 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भिगोई हुई साबुत मेथी, 200 ग्राम हरी मेथी, थोड़ा सा पानी और उसे मिलाकर धीमी आंच पर लिड बंद करके पकाएं। बेसन और दही का घोल बनाने के लिए एक बोल में 1 कप दही, 3 टेबलस्पून बेसन, आधा कप इमली का पानी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसे मिलाएं। घोल को मेथी के पैन में डालें, उसके बाद उसमें 1 कप पानी डालकर लिड बंद करके धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएं। डिश को सर्विंग बोल में निकालें। गार्निशिंग के लिए 2 टीस्पून कसूरी मेथी को पैन में सेकें।
फिर उसे डिश में गार्निश करें और इस तरह तैयार होगी मेथी की कड़ी। एक इम्पोर्टेंट टिप, हरी मेथी डालने के बाद उसे चलाकर कुछ देर के लिए पकाएं ताकि वो कड़वी ना लगे। मजा आ गया, वैसे भी मुझे मेथी बहुत पसंद है। हम करेगा प्लान आगे से? खाओ। आइसक्रीम। थैंक यू। वाकई में सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तुम क्यों तारीफ कर रहे थे? तुम्हारा प्लान तो कुछ और था ना? अरे सुहानी माफ करो बेचारे को, गलती इंसानों से ही होती है। चल चल सॉरी बोलो, खत्म कर। ओके सुहानी सॉरी। तो अब तुम मानते हो ना कि जो लोग प्याज नहीं खाते उनका खाना भी टेस्टी होता है? 100%। इसलिए अब हमने तय किया है कि हफ्ते में 3 दिन बिना प्याज का खाना बनेगा। हाँ, और सारा देश अगर ये तय कर लेना तो प्याज का इस्तेमाल कम होगा, ज्यादा प्याज बचेगा तो भाव भी कम होगा। करेक्ट यार, तो तुम लोग इधर कर क्या रहे हो? अरे जाओ भाई, देश की इकोनॉमी सेट करो, चुनाव लड़ो, मिनिस्टर बनो, जाओ, गो गो गो, लीव नाउ, गो। मोहित, उसके लिए मिनिस्टर बनने की क्या जरूरत है? अगर हर इंसान घर पे बैठे बैठे अपनी जिम्मेदारी समझे और दिमाग से काम ले तो देश की क्या, पूरी दुनिया की इकोनॉमी सेट की जा सकती है। हाँ, और इसकी शुरुआत हम हमारे घर से करें। तो इसलिए हफ्ते में 3 दिन बिना प्याज का खाना खाने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं भाभी, मैं भी मोहित भैया का छोटा भाई हूँ, मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ कि मुझ में भी विल्पा है। कैसी विल्पा? भूल गई सुहानी, अभी अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले मोहित भैया के विल्पार की तारीफ की थी, जब उन्होंने ये कहा था कि वो तब तक प्यास को नहीं छुएंगे जब तक नैना भाभी खुद उन्हें नहीं दे देती। हाँ, मैं तो भूल गई थी। पता था, इसीलिए तो याद दिलाया। सुहानी, तुम्हारी तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन की डील हुई है, मैं तो पूरे के पूरे हफ्ते मोहित को बिना प्यास का खाना खिला सकती हूँ। मोहित ने जबान दी है। भारी पड़ेगा आदि, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तूने शेर के मुंह से प्याज छीना है ना, देखना। भैया वो आप क्या कह रहे थे कि शेर के पूंछ पर पैर नहीं देना चाहिए? लेकिन जब शेर पिंजरे में हो ना तो उसे अपनी पूंछ बाहर नहीं रखनी चाहिए, कोई भी पैर देकर चला जाता है।